हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अपकमिंग टॉप 10 स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीटेक बॉस और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अपकमिंग मोबाइल के लॉन्च डेट से रिलेटेड जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो में। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीटेक बॉस में। तो सबसे पहले हम जिस मोबाइल के बारे में बात करने वाले हैं वो है Moto G 200। तो फ्रेंड्स, यह मोबाइल सबसे सस्ता Snapdragon 888 वाला स्मार्टफोन होने वाला है जो कि ट्रिपल रियर कैमरा के साथ आएगा। तो यह मोबाइल इंडिया में मार्च 2022 तक आ जाएगा। इसके बाद जिस मोबाइल के बारे में बताने जा रहा हूँ वह है Redmi Note 11T। तो इस मोबाइल में आपको 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा मिलेगा और 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। तो यह इंडिया में 30 नवंबर को लॉन्च हो जाएगी और दिसंबर में सेल स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जिस मोबाइल के बारे में बताने जा रहा हूँ वह मोबाइल है Xiaomi का 11i और Xiaomi 11i हाइपर चार्जर जो कि 120 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। तो यह अभी इंडिया में शायद ही लॉन्च होगी क्योंकि 100 वाट के ऊपर के चार्जिंग में इंडिया में अनुमति लेनी पड़ती है, तो इसके लिए बहुत टाइम है अभी। इसके बाद जो अपकमिंग मोबाइल आता है वह है IQ8 लेजेंड जो कि शायद दिसंबर में लॉन्च हो जाएगी। तो यदि आप इस मोबाइल को परचेज करना चाहते हो तो आप दिसंबर में कर लीजिएगा। इसके बाद जिस मोबाइल के बारे में बात करने वाला हूँ वह है OnePlus 9 RT, लेकिन यह अब आपको OnePlus RT के नाम से मिलने वाला है क्योंकि इस मोबाइल का रजिस्ट्रेशन OnePlus RT के नाम से हो गया है। इस मोबाइल से रिलेटेड डिटेल का सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद जिस मोबाइल के बारे में बात करने जा रहा हूं वह है रियलमी का Narzo 50A Prime। यह मोबाइल दिसंबर में 99% लॉन्च हो जाएगी। इसके बाद जिस मोबाइल के बारे में बात करने जा रहा हूं वह है Xiaomi का 12 Ultra और 12X। तो फ्रेंड्स, इस मोबाइल के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि यह दिसंबर में पता चलेगा कि कब लॉन्च होना है। इसके बाद जिस मोबाइल के बारे में बात करने जा रहा हूं वह है रेडमी का K50 सीरीज का मोबाइल। तो फ्रेंड्स, इस मोबाइल में आपको गेमिंग एडिशन देखने को मिल जाएगा और यह मोबाइल अभी चाइना में दिसंबर में लॉन्च होने वाली है, तो इंडिया में लॉन्च होने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस फ़ोन के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और दोस्तों, इसके साथ ही वीवो और ओप्पो की तरफ से फोल्डेबल्स फ़ोन आने वाला है। तो दोस्तों, आपको फोल्डेबल फ़ोन लेना है तो वीवो और ओप्पो की फोल्डेबल्स फ़ोन को ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह कुछ मोबाइल फ़ोन्स थे जो दिसंबर और दिसंबर के बाद लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, इस मोबाइल फ़ोन में से किस मोबाइल फ़ोन को आप परचेस करना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और दोस्तों, आप मोबाइल परचेस करना चाहते हैं तो न्यू ईयर तक वेट कर लीजिए क्योंकि न्यू ईयर में आपको बहुत सारे मोबाइल के ऑफर देखने को मिलेगा। और इन मोबाइल में से किसी मोबाइल पर डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।